व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं वर्टेक्स एआई प्लाम एपीआई क्विक स्टार्ट का। तो नॉर्मली पासवर्ड को यहां से कॉपी करना, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन करना, इससे लगा एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड को पेस्ट करना, एंटर दबा देना, उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप जो है क्लाउड कॉन्सोल पे आ जाओगे। अब काफी सारे लोगों को आई अंडरस्टैंड आता है, काफी सारे लोगों को नहीं आता है। नहीं आए कोई इशू की बात नहीं, आपके लैब परफेक्टली वर्क करेगी। अंदर रख एग्री एंड कंटिन्यू पे काफी बार आता है, काफी बार नहीं आता है। तो अगर नहीं आए टेंशन में नहीं आना है कि लैब गलत चल रही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इधर आओ, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पे चले जाना। नीचे नीचे स्क्रोल करो, नीचे नीचे स्क्रोल करते जाओ, ये सब स्किप कर देना। सिर्फ ये वाले पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। तो यार ये वाले पार्ट की मैं इस एपीआई को बहुत देख के कॉपी कर लेता हूँ। एंड ये देखो, ये हमने कॉपी कर ली। भैया हम इतनी लंबी प्रोसीजर करके फॉलो नहीं करना चाहते, मैं डायरेक्टली बता दो कैसे जाए। इधर जाओ, सर्च बार में पेस्ट कर दो। पेस्ट करने से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ये मार्केट प्लेस के अंदर वर्टेक्स एआई एपीआई, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अंदर जाके अनेबल का ऑप्शन शो करेगा, राइट। अनेबल का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो एक बार इसे ओपन हो जाने दो, कभी कभार लैग मारता है। तो ये मैंने अनेबल पे क्लिक कर दिया है। अनेबल पे क्लिक करने के बाद आपका जो है ये कुछ इस टाइप से दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ से अपने क्लाउड शील्ड को एक्टिवेट कर लेना है। अब इस लैब को करने के दो तरीके, या तो आप मेरी गेटहब की रिपोजिटरी पे चले जाओ और वहां से कोड कॉपी कर लो, या तो यहाँ से एक एक करके कोड कॉपी करो। मैंने क्या करा है, वो सारे कोड को एक ही में मिला दिया, तो एक ही बार रन करके काम खत्म। बट अगर आप एक एक करके करना चाहते हो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। साइज में इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो समझो सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने चेक में प्रेस पे क्लिक कर दिया एंड ये वाला काम जो है वो डन हो जाएगा, टिक आपको बड़े आराम से मिल जाएगा इस लैब में, ठीक है। सो ये जो है टिक हो जाएगा। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप एक एक करके भी इन कमांड्स को रन कर सकते हो, जैसा मैंने बोला। या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां से आपको एक लिंक मिलेगी गेटहब कोड की, वहां से उस कोड को एक्सेस करना। कुछ इस टाइप का कोड रहेगा, कंट्रोल ए दबाना, कंट्रोल सी दबाना और पूरे कोड को इधर आके पेस्ट करके एंटर दबा देना। सो ये जो है ऑथोराइज करने का बोलेगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना। अब आपकी लैब जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये लैब जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब नॉर्मली आओ, नीचे स्क्रॉल करो। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको सबसे पहले अपने टास्क वन के चेक में प्रोग्रेस पे जाना है। तो ये मैं चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ जो टास्क है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट होने में टाइम लगाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। चल, ये जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब नॉर्मली बैक आओ, चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करो, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड टास्क टू के एंड में भी चले जाना फटाफट, एंड यहाँ जो टास्क है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज लेके आते रहते हैं।